औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद, लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेल, आई एम डॉक्टर मोहम्मद रईस, मेंबर्स ऑफ द टीचिंग स्टाफ ऑफ द बाउद्दीन ज़िक्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। Well, the dear students, you know that we are starting with online classes. Previously, we were studying as the physical classes in the college, but due to, you see, the COVID-19 third wave, we are now going towards the online classes. You see, online classes are held when there are some problems, like there is necessary social distance that is not possible when we are in the college. Social distance ko maintain karne ke liye, aur dusri zarurat ye hai ki aapne education bhi leni hai. आपने एजुकेशन भी लेनी है और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, तो दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद ऑनलाइन क्लासेस। वी रिक्वेस्ट यू प्लीज अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर वेल बीइंग। इफ टीचर इज इंटरेस्टेड एंड स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। So please, dear students, all the time be ready for online classes, attend the lectures and prepare according to the need. We were studying when you leave the college about the digestive system, and I told you, again I am repeating, I told you the digestive system is, you see, that system of our body. It deals with the receiving of food and digesting it and making it for use of our body, and then get rid of the waste products of the received material. Digestive system ka talluq hai khuraak ko hasil karna, aur yani one step ye ho gaya khuraak ko hasil kare, aur dusra step ye hua ki usko digest kare, hazm kare, उसको इस काबिल बनाएं कि वो डाइजेस्टेड खुराक इस काबिल हो कि हमारे जिस्म के इस्तेमाल के काबिल आए, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी, गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो इन द फॉर्म ऑफ यू सी फीकल मैटर, पखाना जो खारिज हो जाता है, दैट इज आल्सो द वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, for many times I have told you, our complete body consists of many systems. Har system jo hai apne liye bhi kaam karta hai aur wahi kaam dusre systems ka bhi kar raha hai. Yani agar digestive system hai, ye khuraak hasil karta hai aur phir usko digest karta hai aur phir waste products jo hain wo kaam ki jo khuraak hoti hai wo hamare jism ke kaam aa jati hai, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो खारिज हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स इस खुराक के भी जो हम रिसीव कर रहे होते हैं, और हमारी बाकी सारे जिस्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ पे बन रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे, सेलुलर लेवल्स पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गई, उसकी सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में एनर्जी बनी और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन। तो हर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो अपने रेस्पेक्टिव सिस्टम के थ्रू खारिज होता है, जैसे ऑक्सीजन लंग्स के जरिए खारिज होती है, यूरिया क्रिएटिनिन फिर अगेन ब्लड के जरिए किडनीज में पहुंच जाते हैं, वहां से खारिज होते हैं, और कुछ जैसे लिवर के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो लिवर के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में आती हैं, बाइल के थ्रू, और फिर वहां से खारिज होती है फीकल मैटर
में खारिज हो जाती हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर फूड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो लिवर के थ्रू इधर आते हैं वो भी खारिज हो जाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का हम मैंने कह दिया इट इज वेरी सिंपल टू रिसीव द फूड। सपोज अब अगर आपको फूड अच्छी नहीं मिलती, फूड बासी है, फूड में कोई जरासीम जो हमें आंखों से नजर आते हैं, कोई और चीज है, तो साफ सहर है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिसीव नहीं करेगा। यानी इन अदर वर्ड्स इट इज द जॉब ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डियर स्टूडेंट्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ द फूड। ऑल्सो समटाइम्स वी हैव टू चेक द क्वांटिटी ऑफ द फूड ऑल्सो। जैसे शादी ब्याह में आप लोग जाते हो, आप बहुत सारा खाना खा जाते हो जो दैट इज डबल सम फॉर यू, ठीक है ना। हाँ जी जी मैं भी जाता हूँ, मैं भी खाता हूँ, साफ जहर है। मैं अब आपका नाम ले रहा हूँ तो आप ही तो है ना मेरे सामने, मैंने मेरा अटैक तो आपकी तरफ आएगा। साफ जहर है जो बड़े होते हैं उनका अटैक छोटों की तरफ आता है, लेकिन समझाना मकसूद होता है। मतलब इट इज जॉब ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू चेक द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फूड। दोनों चीजें चेक करके डाइजेस्टिव सिस्टम वसूल करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जैसे यू सी द स्मेल का है, टेस्ट का है पार्ट। हमारे मुंह के अंदर टेस्ट हम देखते हैं, अगर अगर हमें कोई चीज बासी मिले उसका टेस्ट ना अच्छा हो, टेस्ट खराब हो चुका हो, तो हम फौरन उसको खाने से इनकार कर देते हैं। इन अदर वर्ड इट इज जॉब ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। असल में तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली इट्स जॉब इज टू डाइजेस्ट द फूड, बट हमें ये भी चेक करना है कि खुराक कौन सी हम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। और अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें, इस्लामी लिहाज से हमने ये भी देखना होता है कि ये जो खुराक हम ले रहे हैं ये हलाल की कमाई से आई हुई है या हराम की कमाई से हुई है। क्योंकि हर जगह पे और जो भी काम है वो इस्लाम के लिहाज से हमने चलना है। हम मुसलमान हैं, हमने इस्लाम के लिहाज से चलना है। अब ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी हो रही हैं, हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमारी मजबूरी है, हम फिजिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अगर हम देखें इसका भी इस्लाम से ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल हजूर पाक सरकार को ले लें, शोबे अबी तालिब का जमाना था, उस जमाने में हजूर पाक सरकार पर सारी पाबंदियां लग गई कि कोई लेना देना नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तो नहीं तो इस्लाम के रास्ते से हट जाए। हजूर पाक ने तो इस्लाम का रास्ता नहीं छोड़ा, इस्लाम के रास्ते पे चलते रहे, अपने तौर तरीका जो अल्लाह पाक के फरमान थे वो सब बताते रहे, लेकिन एक जगह पे कुछ अरसे के लिए महदूद हो गए। यानी कि जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस में ये काम कर रहे हैं, भाई घरों से बैठकर लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, आप लोग रिसीव करके उसके ऊपर अमल करते हैं, सेम इट इज द लेसन फ्रॉम इस्लाम। आप कर्बला की तरफ आ जाए, बहुत सारी मसाइल थे, इस्लाम खतरे में था, हजरत इमाम हुसैन ने ये तो नहीं कहा मैं बैठ जाता हूँ, मेरे साथ तो बच्चे हैं, मेरे साथ तो औरतें हैं, नहीं, उन्होंने एक खास तरीके से इस्लाम को चलाने के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। वो उन्होंने इस्लाम को चलाया और ऐसा नजराना पेश किया जो रहती दुनिया तक इस्लाम को जिंदा करता है, हर साल इस्लाम को जिंदा करता है। अब हमारे पर प्रॉब्लम आ गई है, कोविड के साथ हम निपट रहे हैं, इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो खुद भी इस पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करें, अपने एजुकेशन भी लें, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएं, मस्जिद जाएं तो वहां पे भी बताएं भाई डिस्टेंस पे रहना है, हमारी क्लासेस भी ऐसे हो रही हैं। अगर हम ये सारा काम करेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, वी विल डील ईच एंड एवरीथिंग इन द ब्यूटीफुल वे। बहरहाल स्टूडेंट्स वो हम खाना वसूल करते हैं, खाना रिसीव करते हैं, और फिर खाना रिसीव करके उस पर कुछ अमल हमारे मुंह में होते हैं, वहाँ से खाना ईसोफेगस में जाता है, वहाँ से आगे स्टोमिक में चला जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर सिग्मैड कॉलन रेक्टम से होता हुआ एनस के जरिए खारिज हो जाता है। इस सारे प्रोसेस में कई चीज़ें जो हैं वो यूसी के मुँह में हजम हो रही हैं, कोई स्टोमिक में हजम हो रही हैं, कोई फिर जाके लीवर में पहुँच जाती हैं, सॉरी लीवर में पहुंचती तो नहीं है, लीवर की तरफ से कुछ मटेरियल्स आते हैं जो इंटेस्टाइन में आते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर गॉल ब्लैडर से कुछ मवाद आते हैं, पैनक्रियाज से आते हैं, ये सारा डाइजेशन होता है। अगर हम जरा थोड़ा सा गौर करें
हम ऐसे कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खुराक वसूल करने का सिस्टम है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी के तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, और इस वसूल शुदा खुराक को कुछ स्टेप्स में हजम करता है और काम की चीजें हमारे खून में शामिल करता है, और वहां से बेकार मादा आगे जाता हुआ सिग्मेट कॉलम रेक्टम एनल कैनाल और एनस से खारिज हो जाता है। ये सारा सिस्टम अगर हम देखें तो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दिस ऑल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। द वन वेरी फर्स्ट पार्ट इज यू सी द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो ऐसा हिस्सा है जो रुतुबतों हाजमे के लिए रुतुबतें पैदा करने वाले गदूदों का होता है। जो हाजमे के लिए ऐसे गदूद होते हैं जो रुतुबतें ऐसी पैदा करते हैं जो उस हाजमे के अमल को तेज करते हैं। ये दो हिस्से हैं, यानी एक हिस्सा हुआ एलिमेंट्री कनाल का और दूसरा हिस्सा हुआ ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम देखें एलिमेंट्री कनाल, इसके फिर अगेन हिस्से हैं। पहला हिस्सा माउथ का हो गया यानी मुंह का हो गया, दूसरा फेरिंग्स का हो गया, तीसरा उसके बाद फेरिंग्स के बाद इसोफेगस हो गया, फिर नेक्स्ट स्टोमिक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। हम अगेन जब ये इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके मुख्तलिफ हिस्से हैं, वो देखेंगे इनके और कौन कौन से हिस्से हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर हम दूसरा मेन हिस्सा उसकी तरफ जाएं तो ग्लैंडुलर पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें पहला जो है वो सेलिवरी ग्लैंड्स है जो थूक पैदा करने वाले को दूध है, दूसरा हिस्सा जो है वो लिवर का है, तीसरा जो इसमें है ग्लैंडुलर पार्ट का गाल ब्लैडर है, और लास्ट जो है प्रोमिनेंट जो है वो पेनक्रियाज का है। ये मुख्तलिफ हिस्से हैं जो ग्लैंडुलर पार्ट के हैं, एलिमेंट्री कनाल के हिस्से हैं। एलिमेंट्री कनाल इनफैक्ट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस, और उसके जो मुख्तलिफ छह हिस्से हैं मेन, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वो मैंने बताया, और ग्लैंडुलर पार्ट है। तो अगर हम फिर इसके आगे चलेंगे तो हम एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके जो हिस्से हमने बताए हैं, पहला हिस्सा मुंह का है तो उसको स्टडी करेंगे। अगर हम मुंह को देखें, मुंह जो हम एक तो चेहरा होता है जो हमें सामने से नजर आता है उसको हम फेस कहते हैं, और एक मुंह जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला माउथ जिसको हम बोलते हैं, वो वाला हिस्सा है। अगर हम देखें मुंह का हिस्सा जो होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द लिप्स, ये इस वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द माउथ इज यू सी द लिप्स, होंठ। ये अगर हम होंठ, दूसरा हिस्सा इसका पैलेट का होता है, द सेकंड पार्ट ऑफ द माउथ इज पैलेट, जिसको हम तालू बोलते हैं। मुंह खोले तो ऊपर की तरफ हम जो हमें सॉफ्ट सा सख्त सा हिस्सा दिखाई देता है उसको पैलेट कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो चीक है, रुखसार, गालें जिनको बोलते हैं रुखसार, चीक वो है। नेक्स्ट दांत है यानी टीथ है, दांतों का हिस्सा है, और नेक्स्ट जो है वो जबान है यानी टंग है, और नेक्स्ट अब इस माउथ में हम लोआब पैदा करने वाले गदूद यानी सलिवरी ग्लैंड भी हम माउथ के मद में इसको स्टडी कर रहे हैं। हमने ग्लैंडुलर पार्ट में भी इसको स्टडी करना है, यही एक हम स्टडी कर लेंगे, वहां पे लिखना हो तो वहां लिख दें, यहाँ पे लिख दें। लोआब पैदा करने वाले गदूद सलिवरी ग्लैंड्स और फेरिंग्स, जो इनफैक्ट यू सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा हिस्सा है फेरिंग्स, हम वो भी माउथ की ही हिस्से में स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट फेरिंग्स हो गया, और नेक्स्ट जो है वो टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स जिनको गले कहते हैं, गले पड़ जाना कहते हैं। एक तो गले आप वैसे प्यार मोहब्बत में एक दूसरे से पढ़ते हैं, ठीक है ना, कई किस्म के गले पड़ने हैं ना, गले मिलना है, गले पड़ना है, किसी को फौरन गुस्से में आ जाए कोई तो गले पड़ जाता है। बहरहाल ये गले जो टॉन्सिल्स खराब हो जाते हैं उसको भी कहते हैं इस बच्चे को कि गले पड़ गए हैं, यानी इसके टॉन्सिल्स खराब हो गए हैं। कई दफा मैंने पहले भी आपको बताया था भाई, अगर कोई हमारे जिस्म का हिस्सा इन्फेक्टेड इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उसके हम
आखिर वाले एक दो लफ्ज खत्म करके उसके बजाय ITIS लगा दें तो वो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे टॉन्सिलाइटिस। अगर हम टॉन्सिलाइटिस कहेंगे इसका मतलब होगा टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। जैसे पित्ते का हो जाए पोलिसिस्टाइटिस, जैसे अपेंडिक्स, हमारा अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म होता है, अपेंडिक्स इन्फेक्टेड हो जाए तो उसे हम कहेंगे अपेंडिसाइटिस। बहरहाल अपेंडिसाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स है, कोलिसिस्टाइटिस पित्ते का है, ठीक है ना। ऐसे जिसका भी हो, अगर हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, निमोनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना, ये सारे के सारे आइटिस जिसके आगे आकर आ जाए तो उसका मतलब होता है उसकी इन्फ्लेमेशन। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, टॉन्सिलाइटिस अगर इन्फेक्शन हो जाए तो टॉन्सिलाइटिस है, अगर वो नॉर्मल है तो टॉन्सिल्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ के हिस्से में होते हैं। इनफैक्ट इनका डाइजेशन से कोई हिस्सा, कोई रिलेशन नहीं है टॉन्सिल्स का, लेकिन चूंकि माउथ को हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए टॉन्सिल्स भी उसमें आते हैं। तो अब हम वन बाय वन माउथ के जो हमने हिस्से पढ़े हैं उसके, पहला हमने होंठ यानी लिप्स स्टडी किया। तो अगर हम वो देखें, होंठ को जो हमने स्टडी किया है, इसकी हम एनाटॉमी भी देखेंगे, इसकी फिजियोलॉजी भी देखेंगे। एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर और रिलेशंस ये क्या है, जैसे कई दफा आपको पहले भी बताया। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस यानी वर्किंग, यानी वो कार्य क्या रहा है, उसका मकसद क्या है। तो होंठ जो है तादाद में दो होते हैं, या टू लिप्स इन ए मैन, एक अपर लिप हो गया यानी ऊपर वाला होंठ और एक लोअर लिप हो गया यानी नीचे वाला होंठ। होंठ जो होती है इनकी मदद से हमारी माउथ की ओपनिंग होती है, हमारा माउथ खुलता है, पहला सबसे पहला हिस्सा है मुंह का, और इनकी मदद से हमारा मुंह का जो सुराख होता है वो बनता भी है और खुलता बंद भी होता है। हम पानी पीने के लिए मुंह खोलते हैं, हम खाना खाने के लिए मुंह खोलते हैं, हम खाना चबाने के लिए मुंह को खोलते बंद करते हैं, तो वो होंठों की भी मदद उसमें शामिल होती है। जब हम होंठों को मिला लेते हैं मुंह को बंद करने की सूरत में, तो हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े जो हैं यानी दांत जो हैं, और होंठों का अगला हिस्सा जो होता है, तीन चीजें, हमारे गम्स, हमारे दांत और होंठों का अगला हिस्सा हमारा ये होता है, ये मुंह को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक वो हिस्सा जो होंठों के और दांतों के दरमियान है, और एक वो हिस्सा जो दांतों के बैक पर है जिसमें टांग शांग टांग वगैरह शामिल हो जाते हैं। होंठों को अगर हम देखें, सामने से होंठों पर जेल्द होती है, सामने होंठों के अंटीरियर वाली साइड पर जेल्द होती है यानी स्किन होती है, और अंदर की तरफ जैसे जैसे हमारे होंठों का हिस्सा पीछे की तरफ अंदर की तरफ जाता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है। फिर उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं, स्केमस सेल्स हैं, कई किस्म के सेल्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्केमस सेल्स हैं, कोलमनर सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ सेलों से मुख्तलिफ जगहों की होंठों के अंदर वो म्यूकस मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। और अगर हम देखें होंठ जो हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, होंठ का एक फंक्शन तो है भाई जब हम मुंह बंद करते हैं, होंठों को मिलाते हैं तो हम स्वालो कर सकते हैं चीजों को। जब हम होंठ खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो हम कोई चीज खाने की या पीने की रिसीव कर रहे होते हैं। जब हम मुंह को चबा रहे होते हैं तो मुंह को जब चबाते वक्त होंठ मिलते हैं तो अंदर की कैविटी, क्लोज कैविटी में चीजें मिक्स हो रही होती हैं। ऐसे जब हम निगल रहे होते हैं उस वक्त भी होंठों को हम बंद करके निगलते हैं, वो होते हैं। इसके अलावा होंठों का वर्किंग ये है कि होंठ जब हम बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स हमारी आवाज पैदा कर रहे होते हैं, ऐसे आवाज ये हमारी आवाज निकल रही है, ये वोकल कॉर्ड निकाल रहे हैं, इस आवाज को लफ्जों में जो तब्दील करते हैं, हमारे जिस्म के, हमारे मुंह के मुख्तलिफ हिस्से जो है, निकली हुई आवाज को जो वोकल कॉर्ड से निकलती है उसको लफ्जों में, वर्ड्स में चेंज करती है। मिसाल के तौर पर उसमें टंग भी प्ले पार्ट करती है, पैलेट भी करता है, उसमें हमारे चीक्स भी हिस्सा ले रहे हैं, हमारे होंठ भी हिस्सा ले रहे हैं, ये आवाज पैदा करने में और आवाज को खूबसूरत बनाने में और उसको लफ्जों में तब्दील करने में होंठों का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जब मेहदी हसन साहब, अल्लाह उनको अपनी मगफरत में रखे,
जब वो खूबसूरत गजल गाते थे तो होंठों को बहुत हरकत देते थे, याद है ना आपको? अच्छा, आपको तरन्नम नूर जहां याद है, मैदी हसन याद नहीं है? भाई ठीक है, मलका तरन्नम भी है, लेकिन मैदी हसन को भी याद रखें, वो भी होंठों को मलका भी करती थी, होंठों को बहुत मूवमेंट देके मुख्तलिफ जावियों से हरकत करके होंठों की आवाज को बेहतर से बेहतर बना देते, यानी ये भी होंठों की ही एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट जो होंठों की एक्टिविटी है वो होंठ हमारे चेहरे को, फेस को खूबसूरत बनाते हैं। अगर कहते हैं इसके यार होंठ बड़ा अच्छा है, इसका इसका फलां का होंठ जो है, अपर लिप इज वेरी ब्यूटीफुल, लोअर लिप इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी ये खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह पाक का की मेहरबानी है, खाने पीने में भी मदद करते हैं, निगलने में भी मदद करते हैं, बोलने में भी मदद करते हैं, और चेहरे की खूबसूरती में भी पार्ट प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो पैलेट है, यानी तालू हो गया। ये पैलेट जो है ये दांतों के अंदर ये ऊपर वाले दांतों के दरमियान जो बलाई हिस्सा होता है, इसको हम पैलेट कहते हैं। इसके नीचे पैलेटाइन बोन होती है, ऊपर साफ टिश्यूज होते हैं, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये दो हिस्सों से मिलकर पैलेट बनता है। अगर हम पैलेट की फंक्शंस देखें तो पैलेट को जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो हम जबान की मदद से खुराक को घुमाते हैं और पैलेट की मदद से उसको फिर इधर से उधर करते हैं। अगर पैलेट बिल्कुल ही नरम होता तो हमारी खुराक इधर उधर चली जाती, चीक्स भी इसमें रोल पार्ट प्ले कर रहे हैं, और पैलेट भी खुराक को घुमाने में, खुराक को चबाने में, खुराक को पोजीशन तब्दील करने में मदद कर रहा है, और पैलेट यूसी की आवाज पैदा करने में भी, जो हमारी जो आवाज सॉरी आवाज तो पैदा वोकल कॉर्ड्स करते हैं, आवाज को लफ्जों में तब्दील करने में पैलेट भी मदद करता है। अगर किसी का क्लेफ्ट पैलेट हो, एक डिजीज होती है क्लेफ्ट पैलेट के ऊपर से, या क्लेफ्ट लिप भी होता है, क्लेफ्ट लिप ऊपर से आगे वाला होंठ दरमियान से कटा हुआ, या कहीं से भी थोड़ा सा कटा हुआ होता है, ऐसे पैलेट भी दरमियान से कटा हुआ होता है। अगर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो तो डियर डियर स्टूडेंट्स, फिर ये होता है कि बंदे की आवाज जो है वो सही नहीं निकलती। तो साबित हुआ ना कि आवाज जो हमारे वोकल कॉर्ड्स पैदा कर रहे हैं उसको लफ्जों में तब्दील करने के लिए पैलेट का भी काम है और लिप्स का भी काम है। और पैलेट के बाद नेक्स्ट जो है वो है रुखसार, यानी चीक। रुखसार जो है ये सुर्ख रंग का फ्लशी मटेरियल होता है, नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, अंदर वाली साइड पे, रुखसारों के अंदर वाली साइड्स पर फ्लशी मटेरियल होता है और बाहर वाली साइड पर स्किन होती है, स्किन कवरिंग होती है। और हमारा जो दोनों साइड के जो रुखसार हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड के रुखसार, ये एंगल ऑफ द माउथ, मुंह के जाविये इनको बोलते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द एंगल ऑफ द माउथ। अब आपको मैं ये भी बताता जाऊं जाते जाते, भाई एंगल ऑफ द माउथ क्या है? यहाँ पे दोनों होंठ, ऊपर वाला और नीचे वाला होंठ, अपर लिप एंड लोअर लिप यूनाइट करता है। द प्लेस वेयर द टू लिप्स यूनाइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द माउथ। एंगल ऑफ द माउथ, जहां दो लिप्स ऊपर वाले और नीचे वाले मिलते हैं, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ द माउथ। दो हो गए, दो होंगे एंगल ऑफ द माउथ, एक राइट एंगल ऑफ द माउथ, एक लेफ्ट एंगल ऑफ द माउथ। भाई राइट साइड से भी होंठ मिल रहे हैं और लेफ्ट साइड पर भी होंठ मिल रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द अपर लिप एंड द लोअर लिप इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द माउथ। एंगल ऑफ द माउथ से ये राइट से वाले से राइट रुखसार या राइट चीक, और लेफ्ट वाले एंगल ऑफ द माउथ से लेफ्ट रुखसार या लेफ्ट चीक जो है वो स्टार्ट होता है। और फिर गम से, यानी मसूरों के नीचे और ऊपर बलाई हिस्सों पर जाते हैं, और मसूरों से जरा ऊपर तक जाके ये खत्म हो जाते हैं, नीचे वाले मसूरे से नीचे तक और ऊपर वाले मसूरे से दम से ऊपर तक जाके ये इसे खत्म हो जाते हैं। ये मुंह का दोनों एंगल ऑफ द माउथ जो है, शुरू होके ऊपर और नीचे जाते हुए ये जो दोनों साइड पर रुखसार होते हैं, ये मुंह का अंदरूनी हिस्सा
बनाते हैं इस तरह, मुंह का अंदरूनी हिस्सा बनाते हैं इस तरह कि दोनों इतराज से दाएं और बाएं से मुंह को घेर लेते हैं। ये इस तरह मुंह के अंदर जो बकल कैविटी होती है उसको मुकम्मल करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी के रुखसार खराब हो, इन्फेक्शन की वजह से फट जाए, तो जो कुछ हम खाएंगे वो रुखसार फटी हुई जगह से बाहर आ जाएगा। तो आप ये तो समझ गए कि रुखसार जो है वो एनाटॉमी के लिहाज से बाहर स्किन है, अंदर फ्लेशी मटीरियल है, एंगल ऑफ द माउथ से शुरू होते हैं। अगर एंगल ऑफ माउथ बोला जाए यानी राइट और लेफ्ट साइड पर जहाँ होंठ अपर लिप एंड लोअर लिप मिलता है उसको हम एंगल ऑफ द माउथ कहेंगे। तो ये एंगल ऑफ माउथ से शुरू होकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएंगे और जाके फिर ये पीछे गम से ऊपर, ऊपर वाले गम से ऊपर और नीचे वाले गम से नीचे खत्म हो जाएंगे। अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ द चीक्स देखें, रुखसार की फिजियोलॉजी, जहाँ पे भी फिजियोलॉजी आती है इसका मतलब है उस टिपिकल चीज का काम क्या है, वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है। तो रुखसार की वर्किंग आपको पता चल गई, यू आर वेरी वाइज। जो अब तक मैंने पढ़ाया उसमें भी सारी जगहों पे आ रही थी, यानी कि एक तो इसकी वर्किंग ये हो गई कि ये खाने को चबाते वक्त हमारी मदद करता है। खाने हम रुखसार और दांतों के दरमियान आ जाते हैं, वहां से ये चीक्स जो है खाने को टुवर्ड्स टंग और ओरल कैविटी में धकेल रहे होते हैं। और इसके अलावा जब हम पानी पी रहे होते हैं तो पानी को भी ये निगलने में मदद दे रहे होते हैं, और खाने को जो खाना खा रहे होते हैं उसको छोटे 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 ज़रात में दांतों के जरिए, चीक्स के जरिए, टंग के जरिए हम उसको तब्दील कर रहे होते हैं। रुखसार यानी खाने को चबाने के काम, चबा तो दांत रहे हैं लेकिन उसमें मदद ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रुखसारों का और क्या काम है, जो बोलते हैं हम, जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ पैदा वोकल कॉर्ड्स में हो रही है उस आवाज़ को लफ्जों में तब्दील करने में भी मदद दे रहे हैं। जो सलाइवा वगैरह हमारे मुंह में निकलता है जब आप खा पी नहीं रहे होते, उस वक्त भी उस सलाइवे को, वो ऐसा नहीं होता कि वहाँ साइड्स पे पड़ा रहे, रुखसार की मदद से वो मुंह में आता है और जैसे भी फिर मौसम हो उसके मुताबिक हमारा मुंह उसके साथ डील करता है, या थूक के जरिए खारिज किया या काम निकला या उसको निगल लिया। तो ये रुखसार। और इसके अलावा एक और काम रुखसार का है तो वो क्या है, वो ये है कि रुखसार हमारे फेस की, चेहरे की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फेस को खूबसूरत बनाते हैं। किसी के रुखसार बिल्कुल पिचके हुए होते हैं, किसी के उभरे हुए होते हैं, किसी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप सब जानते हैं, यू आर वेरी क्लेवर। तो रुखसार चेहरे की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप रोज़ाना हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं इनको सुना करें, इनको समझा करें, इनके ऊपर अमल किया करें, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया करें, और अच्छे अच्छे काम किया करें। आप अच्छे हैं ना, तो अच्छे अच्छे काम किया करें ना। तो आप जैसे हैं वैसे काम करेंगे, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो अच्छे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम अपने रसूल पाक सरकार के बारे में कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, हम बीमारों को आबे शफा चाहिए, अपने कदमों का धोवन अता कीजिए। तो जैसे वो अच्छे हैं, वो अच्छे काम करते हैं आका, और आप भी तो माशाल्लाह उन्हीं के मानने वाले हैं, आप भी अच्छे अच्छे काम किया करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल किया करें, ठीक है ना, और दुआओं में भी याद किया करें। गुड बाई एंड खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका निगेबान और मेरा भी निगेबान।